सोनी क्या हुआ बेटे? ये तो सोनी के पापा बाहर आओ। सोनी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ सोनी के? क्या हुआ बेटा? किसने किया ये सब? मैं पानी लेके आती। कुछ तो बताओ बेटा, बेटा बता तो क्या हुआ तेरे साथ? पानी पी और बता क्या हुआ। किसने किया ये सब? कुछ तो बोल बेटा। मम्मा हाँ मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बोल। घबरा मत बेटा बता। मम्मा बोल बेटा। मम्मा मेरा एक दोस्त है दीपांशु। अच्छा सुनो, कल ना तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, हम कहीं चलेंगे। कहाँ? अरे तुम आ जाना बस, स्पेशल है। ठीक है। यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये मेरे फ्रेंड का घर है और आज यहाँ कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन हम आए क्यों हैं यहाँ? ताकि हम कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। मतलब कुछ नहीं, तुम आओ इधर। दीपांशु क्या कर रहे हो तुम और कुंडली क्यों लगाई है? अरे तुम बैठो इधर। दीपांशु क्या है ये सब? हमारे रिलेशन को इतना टाइम हो गया पर आज तक हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। पर दीपांशु इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी नहीं है पर जो कल हो वो आज क्यों नहीं? दीपांशु अभी नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। बस तो फिर भरोसा रखो, कभी नहीं तोड़ूंगा। पर दीपांशु पागल हो गए हो क्या? दीपांशु तुम क्या बस ये सब करने के लिए थे मेरे साथ? क्या हुआ यार, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सब गलत थोड़ी है। नहीं दीपांशु, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करेगी। मतलब ये देख दीपांशु, मैंने तुम पे भरोसा किया था, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगे। इसे डिलीट कर दो प्लीज। देख अगर तू मुझे मना करेगी ना तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूंगा। और सोच अगर तेरे मम्मी पापा ने इसे देखा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं दीपांशु प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना प्लीज। अगर तू चाहती है ना मैं इसे वायरल ना करूं तो चुपचाप जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। चल अंदर। नहीं दीपांशु प्लीज। अंदर चल। तुम दीपांशु यार अपना फोन दियो, एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी और बैलेंस खत्म हो गया। बेटा अकेले अकेले मौज ले ली और भाई को भूल गया। क्या मौज कर ली बताइयो? ये देख, कभी हमें भी मिलवा दे, कभी अपने भाई का भी भला करवा दे। यार तू पागल है क्या? गर्लफ्रेंड है ये मेरी। देख ले भाई मिलवाता हो तो, वरना ये वीडियो वायरल भी हो सकती है। यार ये मेरे दोस्त का घर है जो वो बाहर बैठा है और उसने मेरे फ़ोन से हमारी वो वीडियो ले ली और कहता है कि
मैं उसे वही सब करने दूं जो हम दोनों ने किया है, वरना वो वीडियो को वायरल कर देगा। दीपांशु, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, उसने मेरे फोन से अपने आप ही वीडियो ले ली, और अगर तुम मना करोगी तो हम दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी और साथ साथ हमारी फैमिली की भी लाइफ खराब हो जाएगी। दीपांशु, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पे भरोसा किया था। यार देखो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मैं उसे अंदर भेज रहा हूँ, तुम देख लेना प्लीज। दीपांशु, दीपांशु, हेलो दोस्तों, मैं संजू सहरावत आपके लिए लेके आया हूँ एक और सच्ची घटना। ये घटना महाराष्ट्र की है दोस्तों। जनवरी के स्टार्टिंग में ये संख्या 2 थी, सोने की वीडियो सिर्फ 2 लोगों के पास थी, और जनवरी एंड होते होते ये वीडियो 4 से 5 लड़कों के तक पहुंच जाती है। सितंबर आते आते ये संख्या 33 हो जाती है, और इन 33 लड़कों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो वीडियो उन्होंने शेयर की हुई थी, जिसका जब मन करता वो सोनी को बुलाता, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, और पता नहीं कितनी जगह पे उसको लेके गए। अगर वो विरोध करती तो वो उसके साथ मारपीट भी करते थे, और ये मारपीट एक दिन हद से ज़्यादा हो जाती है। दीपांशु, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पे भरोसा किया था, प्लीज दीपांशु तुम ऐसा कुछ मत करो मेरे साथ। तुझे अच्छे से पता है ये वीडियो हम सबके पास है, और अगर ज्यादा बकवास करेगी ना तो इसे वायरल करने में टाइम नहीं लगेगा। चुपचाप जो हो रहा है होने दे। बेटा चल मेरे साथ। कहाँ लेके जाओगे इसे? पुलिस स्टेशन। जिसने मेरी बेटी का ये हाल किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चल पुलिस स्टेशन। सोनी और उसके पेरेंट्स थाने जाके FIR कराते हैं, और पुलिस भी इस बात पे बहुत जल्दी एक्शन लेती है, और 33 में से 26 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। दोस्तों, अगर सोनी चाहती तो इस मुसीबत से पहले दिन ही बच सकती थी, अपने घर वालों को ये बात बता के, लेकिन उसने ये बात किसी से भी नहीं बताई और अपने लिए मुसीबत और बड़ी कर ली। एक प्रॉब्लम छुपाने के चक्कर में पता नहीं कितनी मुसीबतों में फंस जाते हैं। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ अपने किसी घर के बड़े या अपने करीबी को ये बात ज़रूर बताएं, और उनको भी ना बताएं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्पलाइन दी हुई है, आप वहाँ कॉल करके बता सकते हैं, और आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। अपना और अपने परिवार का रखें ध्यान, रहे सावधान। जय हिंद, जय भारत।